बल तथा गति के नियम भाग चार, गति का तृतीय नियम। पिछले वीडियो में हमने देखा गति का द्वितीय नियम क्या होता है और गणित में इसका वर्णन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम गति के तृतीय नियम के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहला नियम बताता है कि किस प्रकार बाहरी असंतुलित बल किसी वस्तु की गति को परिवर्तित कर देता है और गति का दूसरा नियम बताता है कि किस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण से इस लगने वाले बल को मापा जा सकता है। अब न्यूटन का गति का तृतीय नियम बताता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी तत्काल एक बल लगाती है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ये दोनों बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं, जिसका मतलब प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर एक बल लगाती है या प्रत्येक वस्तु एक ही बल का अनुभव करती है। गति के तृतीय नियम को ठीक से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि एक खिलाड़ी फुटबॉल को लात मारता है। यहां एक बार लात मारने पर गेंद चलने लगती है, लेकिन फुटबॉल भी खिलाड़ी के पैर पर एक समान परिमाण वाला बल लगाती है। हम ये भी देख सकते हैं कि ये बल खिलाड़ी द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में है। दूसरे शब्दों में, किसी भी हालत में बल अकेले कार्य करने के बजाय जोड़े में कार्य करते हैं। ये दोनों बल परिमाण में समान होते हैं और विपरीत दिशा में तथा अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। इन दोनों विपरीत बलों को सामान्यतः क्रिया यानी एक्शन तथा प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन बल से जाना जाता है। अब गति के तृतीय नियम को और बेहतर समझने के लिए दो नए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एक, अब एक उड़ते हुए पक्षी का उदाहरण लेते हैं जो पंखों को फड़फड़ाकर हवा में उड़ता है। जब एक पक्षी ऊपर उड़ने के लिए अपने पंखों को नीचे की ओर फड़फड़ाता है तो इससे एक बल कार्य करता है जो हवा को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे एक समान तथा विपरीत बल उत्पन्न होता है जो पक्षी को ऊपर की ओर धकेलता है और इससे पक्षी आसमान में उड़ने लगता है। उदाहरण दो, अब नाव को चलाने का उदाहरण लेते हैं। नाव चलाते हुए पतवार को पानी में पीछे खींचने से समान तथा विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होता है जो नाव को आगे चलाने में मदद करता है। इन उदाहरणों में हमने ये देखा कि समान तथा विपरीत बलों का एक जोड़ा अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। इन दोनों बलों में से एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया कह सकते हैं। जैसे पहले उदाहरण में यदि पक्षी अपने पंख नीचे की ओर फड़फड़ाता है तो ये वो क्रिया है जिससे एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे पक्षी को उड़ाने वाला बल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में क्रिया पतवार को पीछे की ओर खींच रही है और प्रतिक्रिया नाव को आगे की ओर धकेल रही है। इससे गति के तृतीय नियम के लिए नया कथन मिलता है।
कि प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल हमेशा एक साथ अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। अपने तैरने की कोशिश का उदाहरण लो। अब यदि तुम आगे की ओर तैरना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? हमने पिछले वीडियो में गति के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ा, इसलिए हम जानते हैं कि त्वरण के लिए हमें बल की जरूरत होती है। लेकिन यहां तुम्हें किस दिशा में बल लगाना चाहिए? क्या इसे उस दिशा में लगाना चाहिए जिस दिशा में तैरना चाहते हो? नहीं, तुम्हें तैरने की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाना चाहिए, अर्थात आगे जाने के लिए तुम्हें पानी को पीछे ढकेलना चाहिए। जब तुम पानी को पीछे ढकेलते हो तो पानी तुम्हारे शरीर पर एक समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाता है, अर्थात पानी भी तुम्हें इस प्रकार ढकेलता है कि तुम्हारा शरीर आगे की ओर चलने लगता है। यहां तुम्हें यह ध्यान देना चाहिए कि हालांकि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान होते हैं, लेकिन वे हमेशा समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल जिन अलग अलग वस्तुओं पर लगता है उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। गति के द्वितीय नियम से निकलने वाले संबंध के अनुसार F बराबर M गुना A। हम देख सकते हैं कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर लगने वाला समान बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। इस प्रकार प्रत्येक बल अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग त्वरण उत्पन्न करता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बंदूक से गोली चलाने की अवस्था को देखते हैं। यहां जब गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक गोली पर आगे की दिशा में बल लगाती है। गति के तृतीय नियम के अनुसार गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती है। जिससे बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, क्योंकि गोली का द्रव्यमान बंदूक के द्रव्यमान से बहुत कम होता है, इसलिए गोली का त्वरण बंदूक के त्वरण से बहुत अधिक होता है। गति के तृतीय नियम को दर्शाने का एक और उदाहरण गेंद का उछलना है। जब एक गेंद को जमीन पर फेंका जाता है तो गेंद जमीन पर नीचे की दिशा में एक बल लगाती है, जिसे क्रिया बल कहा जा सकता है। जब गेंद जमीन से टकराती है तो जमीन भी गेंद पर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसे प्रतिक्रिया बल कहा जा सकता है। यह प्रतिक्रिया बल गेंद को जमीन से उछाल देता है। इस अवस्था में भी क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में तथा अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं। इस वीडियो में हमने गति के तृतीय नियम के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम संवेग संरक्षण के बारे में जानेंगे।